हेलो एंड वेलकम टू वे टू लर्न। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, क्यूब से हम पढ़ेंगे, जो क्लास नाइन्थ में हमारा चैप्टर आता है इंसुलेशन का, इंसुलेशन यूनिट के अंदर जो आता है, जिसमें हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ने हैं। तो उसमें हम देखते हैं आज कि हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ हम क्यूब जो है, क्यूब क्यूबॉइड, आज उसको हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में आप लोग पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस शेप में होता है, क्या होता है, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं कि क्यूब, ठीक है। तो क्यूब मेनली क्या होता है कि जब हम दो स्क्वायर को ऐड करके एक 3D शेप बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब, ठीक है। ऐसे होता है क्यूब। और क्यूबॉइड की अगर बात करें तो क्या होता है, उसमें रेक्टेंगल होता है कि दो रेक्टेंगल को ऐड करके, ठीक है। ऐसा फिगर आपने बहुत बारी बनाया होगा। तो इसमें हम पहले हम इसका तो यहां देख लेते हैं कि इसमें हमें तीन चीजें फाइंड करनी होती है इस चैप्टर के अंडर में, कि क्यूब का हमें सबसे पहले करना होता है कि टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा, और एक होता है लेटरल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया मीन्स की जिसमें टोटल सर्फेस हो, यानी कि ऑल साइड्स के एरिया को हम ऐड करेंगे तो टोटल होगा। लैटरल सरफेस एरिया यानी कि उसके फोर वॉल्स का जब एरिया पूछेगा तो उसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और तीसरा इसमें वॉल्यूम। ये तीन चीजें हमें इसमें फाइंड करनी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर मैं इस क्यूब इसको तोड़ूं तो कितने स्क्वायर इसमें आपको बन जाएंगे, एक जो क्यूब होता है उसमें कितने स्क्वायर हो जाएंगे एक क्यूब में। टू को हम ऐड करके बनाते हैं, लेकिन कितने स्क्वायर, अगर आपके पास डाइस हो या फिर आपके पास कोई क्यूब शेप में बुक हो, ठीक है, या अभी क्यूबॉइड शेप में जो बुक है आपके पास, क्यूबॉइड शेप में, तो आप क्यूबॉइड शेप में बुक है उस पर भी अगर आप काउंट करोगे तो कितने, सिक्स रेक्टेंगल टोटल आपको उसमें दिखेंगे, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ हाइट ये सारी चीजें होंगी। तो अगर एक क्यूब के शेप में है तो अगर हम इसको जब तोड़ते हैं तो इसका क्या होता है भाई, तो ये टोटल सिक्स स्क्वायर में ये टोटल क्या होता है, टू होता है, ठीक है। तो सिक्स में टूटता है, तो हमने क्या करना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें, यानी कि मैंने पहले बोला टोटल सरफेस एरिया यानी कि सारे वॉल्स का एरिया। टोटल सरफेस एरिया मींस अगर आप जिस अभी रूम में बैठे हो तो यानी कि अप यानी कि रूफ, नीचे यानी कि फर्श यानी फ्लोर, और फिर राइट साइड की वॉल, लेफ्ट साइड की वॉल, ठीक है, और फ्रंट की वॉल और बैक की वॉल, ठीक है। तो ये जब सारे वॉल्स को हम ऐड करेंगे टोटल, तो वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि हमें टोटल छह वॉल्स, एक कमरे हैं तो उसमें टोटल छह वॉल्स बनेंगे, ठीक है। और वो कमरा अगर स्क्वायर के फॉर्म में है, सारे वॉल्स अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो वो क्यूब बनेगा, ठीक है। तो स्क्वायर का हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर का एरिया होता है हमारा एक स्क्वायर का, अगर हम निकालें इसका कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या होगा, क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इसका क्या होता है, हम क्या साइड की वैल्यू क्या मानते हैं हमेशा कि ए, तो क्या होता है हमारा साइड कि ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। दूसरे वाले का निकाले तो दूसरे वाले का भी ए स्क्वायर आएगा एरिया, ठीक है। तीसरे का निकाले तो इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए, और इसका भी ए, इसका भी ए, यानी कि जब हम टोटल सर्फेस एरिया की बात कर रहे हैं कि टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा, इसको शॉर्ट में हम टी एस ए बोलते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा कि एरिया ऑफ ऑल वॉल्स, या तो ऑल लिख लीजिए यहां पे, या टोटल एक में छह ही वॉल्स बनेंगे, तो एरिया ऑफ सिक्स वॉल्स। तो एरिया ऑफ सिक्स वॉल्स तो क्या हो जाएगा, एरिया पहले वाले कितना है भाई, तो यहां लिख लेते हैं हम, यहां से थोड़ा लंबा जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 सिक्स हो गए, तो यानी कि 6a स्क्वायर, यानी कि ये जो है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हमें लैटरल सरफेस एरिया अगर निकालना है, तो लैटरल अगर हमें निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, LSA, तो लैटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो लैटरल सरफेस एरिया मैंने बता दिया कि फोर वॉल्स का, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या हो जाएगा भाई, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स हो गया हमारा कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा कि 4 into a स्क्वायर, ठीक है, मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, तो 4 into a स्क्वायर ये हमारा हो गया कि लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, ये हमारा है लेटरल सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है हमें, थर्ड वाला, तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका भाई, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि जितने साइड्स हैं, यानी कि ये 1 2 3 इन तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो ये हमारा होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, आप बोलोगे कि सर एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है, तो वॉल्यूम यानी कि कोई जैसे बॉटल है या कोई बॉक्स है, तो उसके अंदर कितना वाटर आ रहा है या उसको भरने में कितनी मिट्टी, जो भी चीजें लगेंगी, तो वो हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम की मदद से, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो अगर एक क्यूब की, इसकी ये साइड ए है, क्यूब में हमेशा क्या है ए ही होता है, तो क्या हो जाएगा कि ए इंटू ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा a का पावर 3, यानी कि ए क्यूब, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम का। तो ये आपका रहा क्यूब, क्यूब में क्या, तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, और वॉल्यूम यानी कि साइड का पावर 3, यानी कि ए क्यूब, ठीक है। इसको अगर आपको दिक्कत है तो यहां आप लिख सकते हो कि यहां लिख लो कि साइड का पावर 3, ठीक है। तो ये रहा आपका क्यूब, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में भी हमें सेम चीजें पढ़नी है, यानी कि वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इसके बाद हम जब चैप्टर शुरू करेंगे तो इन सब पे क्वेश्चंस भी बनाएंगे। अभी आप इन पे अपना एग्जांपल लेके क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ए की वैल्यू दे दूं, ए की वैल्यू अगर मैं मान लूं कि ठीक है, हम कि ए की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे कि ए इज इक्वल टू कितना है भाई, तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 6 into क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यानी कि 6 into 5 का पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, तो 25 6 है कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम लेटरल निकालेंगे तो लेटरल क्या हो जाएगा, तो 4 into 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कि 4 into 25, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही जब हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम इसका, तो क्या हो जाएगा कि 5 का क्यूब, अगर वॉल्यूम निकालें हम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा कि 5 into 5 into 5, तो 5 5 जा 25, और 25 जा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम, अगर आप मिनिमम 1 to 20 तक अगर आप स्क्वायर याद कर लेते हो और क्यूब याद कर लेते हो, जो कि 8th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपको बहुत ही फायदा करेगा, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको 5 का क्यूब पता है तो आपको ये नहीं लिखना है सीधे 125, ठीक है। अगर आपको 5 का स्क्वायर पता है तो आपको यहाँ 5 का स्क्वायर 25 है और ये 4, तो 100 फट से लिख देंगे हम। तो आपको क्यूब और स्क्वायर अगर पता है तो वो
आपको जरूरी है। कैसे हम पता करते हैं, तो अगर क्यू अगर स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर में उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो स्क्वायर हो गया। अगर क्यूब निकालना है तो उसी में पहले उससे मल्टीप्लाई कीजिए यानी स्क्वायर आएगा, और फिर स्क्वायर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी एक जो नंबर है उसको तीन बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कॉमेंट जरूर करें, अच्छी हो तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।